सुन रही है तो भाई सुन ले, अब तू भी बूढ़ी होगी, मैं भी हो गया, अब डाल लव लेटर, अब मैं रिएक्ट करती हूँ। प्रपोजल तो मेरे लिए बड़े आए थे, मतलब पूरे मोहल्ले की लड़कियों के सबके प्रपोजल आए थे। इतनी बारिश तो मैंने यहाँ देखी, बिकॉज आई बिलोंग टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ में ऐसे नहीं आते थे, फिक्स नहीं होता था कभी भी आ सकती है, जिसकी मुझे पेमेंट भी नहीं मिली थी। मुझे ज़्यादा शौक नहीं रहा, जैसे जैसे उम्र हो रही है, आई एम मोर ऑफ अ पीस लविंग पर्सन। माई नेम इज़ सुशील पाराशर और मैं टैली चक्र के साथ पहली बार खेलने जा रहा हूँ, वो पहली बार। वो पहली बार when you had any professional fight with someone? Difference of opinion तो बीच में कई बार होता है, लेकिन ज्यादा नहीं। I'm more of a peace loving person. वो पहली बार जब आपने कोई branded चीज खरीदी थी अपनी कमाई से? पहले तो हमारे जमाने में ये रिबॉक लिवाइज इन्हीं का था, तो यही खरीदते थे ब्रांडेड। अभी तो मैं, मुझे ज़्यादा शौक नहीं रहा, जैसे जैसे उम्र हो रही है, अभी तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो नीचे लोअर होता है, ऊपर टी शर्ट होती है, दैट्स इट। वो पहली बार जब आपने कैमरा फेस किया था, कैसा था एक्सपीरियंस? मैं बड़ा एक्साइटेड था, हालांकि पेमेंट पार्ट तो जीरो ही समझो। दैट वॉज इन 1987 और 88, मैं वो बॉम्बे आया था 1986 में। वो एक फिल्म थी, उसका नाम था प्रकोप, और जिसकी मुझे पेमेंट भी नहीं मिली थी। उसके बाद टीवी सीरियल्स वगैरह शुरू हो गए, तो मैंने टीवी सीरियल्स किए, फिर पहले छोटे छोटे रोल मिलते थे, फिर लंबे लंबे रोल मिले, और थिएटर मेरा बैकग्राउंड था, और उससे पहले मैं ONGC में साइंटिस्ट था। वो पहली बार जब आपने रेड कारपेट अटेंड किया था, क्या पहना था गया? अब ये तो बड़ा मुश्किल आंसर है। रेड कारपेट अटेंड किया था, अच्छे कपड़े पहने थे और क्या। और कई बार ऐसे भी होता था कि उसमें वो कहते थे कि जो आपकी शो के कॉस्ट्यूम्स हैं वही कॉस्ट्यूम्स पहन के आना है, ऐसा भी होता था बाकी। लेकिन मैं नॉर्मली ये जो फंक्शंस वगैरह है, अवार्ड फंक्शंस, मैं अवॉइड करता हूँ। वो पहली बार जब आप अब्रॉड ट्रिप पर गए थे? दुबई गया था एक शॉर्ट फिल्म करने, वो मैंने की थी, उसके बाद फिर कैनेडा गया था यशराज के साथ। वो पहली बार जब आपने किसी से लव लेटर रिसीव किया? लव लेटर तो मैंने आज तक किसी ने रिसीव नहीं किया। किसी लड़की ने मेरे घर में एक लेटर डाल दिया था, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, और मुझे घर से बहुत डांट पड़ी थी। मुझे आज तक समझ नहीं आया वो लड़की कौन थी। सुन रही है तो भाई सुन ले, अब तू भी बूढ़ी होगी, मैं भी हो गया, अब डाल लव लेटर, अब मैं रिएक्ट करती हूँ। वो पहली बार जब आपने किसी फैन से शादी का प्रपोजल सुना था? प्रपोजल तो मेरे लिए बड़े आए थे, मतलब पूरे मोहल्ले की लड़कियों के सबके प्रपोजल आए थे, क्योंकि एक तो मेरी जॉब बड़ी अच्छी थी, और दूसरा मैं अकेला लड़का था, देखने में भी ठीक ठाक लगते थे, और उस ज़माने में स्कूटर होता नहीं था लोगों के पास, मेरे घर वालों ने मुझे स्कूटर दिया हुआ था, तो थोड़े हम भी मजनू टाइप थे, ऐसे रिश्ते तो बड़े आए। लेकिन जो मैंने एक्सेप्ट किया उसके पीछे मैं भागा, वो नहीं भागी। वो पहली बार जब आपने मुंबई की बारिश को एक्सपीरियंस किया? बारिश तो जब मैं आया तो बारिश मुझे पता लग गया, बारिश तो हर महीने जून में शुरू होती है, एंड इट लास्ट टिल सितंबर, फिर बाद में पता चला अक्टूबर तक लास्ट होती है। तो मैंने इतनी बारिश तो मैंने यहाँ देखी, बिकॉज आई बिलोंग टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ में ऐसे नहीं आते थे, फिक्स नहीं होता था कभी भी आ सकती है। कैसा लगा आपको टैली चक्कर के साथ वो पहली बार करके? मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़े फ्रेंडली लोग लगे, प्यार से समझाया आपने, मैं भी जितने प्यार से जवाब दे सकता था मैंने दिया, अच्छे लोग लगे। मेरा नाम सुशील पाराशर, अभी आपने मुझे टैली चक्कर में देखा, और मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Know all about the Tele world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.